दोस्तों, अगर आप भी एक CSE VLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं, सभी को अपना राशन कार्ड की EKYC कराना मैंडेटरी हो चुका है। आप सभी को CSE के माध्यम से अपने राशन कार्ड की EKYC कंप्लीट करनी होगी। बेसिकली ये काम CSE VLE को दिया गया है, जिसमें कि राशन कार्ड में जितने भी मेम्बर जुड़े हैं, उन सभी का आपको बायोमेट्रिक के माध्यम से EKYC कंप्लीट करना है। तो किस तरीके से आप EKYC कर सकते हैं, इसकी जानकारी पाने के लिए वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको CSE से लॉगिन करना है। इसके बाद में आपको एक नई सर्विस यहाँ पे देखने को मिल जाती है, EKYC राशन कार्ड होल्डर। फिलहाल दोस्तों, ये सर्विस केवल हिमाचल प्रदेश के लिए CSE पोर्टल में शुरू की गई है। जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, धीरे धीरे पूरे भारत में सभी स्टेट में जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं, सभी को अपने राशन कार्ड की EKYC कंप्लीट करना है। तो सभी स्टेट में इसका काम लगभग शुरू हो चुका है, तो बहुत जल्द आपके भी स्टेट की सर्विस CSE पोर्टल में शुरू हो सकती है। तो अगर आपको भी राशन कार्ड में किसी मेंबर की बायोमेट्रिक के माध्यम से EKYC कंप्लीट करनी है, तो आप इस वीडियो को देखकर अपने स्टेट में भी राशन कार्ड धारकों का EKYC कंप्लीट करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस सभी स्टेट के लिए लगभग सेम रहता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे CSE लॉगिन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन कुछ इस तरीके से एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर फिल करेंगे। इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर फिल करके आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर आपको जिस भी बेनिफिशियरी का यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है, आप सिंपली आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, तो उस पर्सन के आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड की जाएगी। बेसिकली आपने यहाँ पे राशन कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक किया होगा, उस पर एक OTP सेंड की जाती है, जिसे आप यहाँ पे फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी के सामने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए पेज ओपन होकर आ जाता है, जहाँ पर आपको सिंपली राशन कार्ड होल्डर का बायोमेट्रिक कंप्लीट करा लेना है। और सबमिट वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, तो उस पर्सन की EKYC यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। फिलहाल तो हमारे पास कोई ऐसा कस्टमर नहीं है, तो हम आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक का प्रोसेस नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हमने आपको जानकारी दे दी है किस तरीके से आप यहाँ पे कस्टमर का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपको अपने राशन कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर को अपडेट करना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है। आप सिंपली यहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में जिसका भी आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है, उसका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद में आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो उस पर्सन का पूरा डिटेल आप सभी के सामने ओपन होकर आ जाता है, जिसके बाद में आप यहाँ पे राशन कार्ड होल्डर के राशन कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर अपडेट करने का भी काम कर सकते हैं। इसी के साथ में CSE पोर्टल में एक नई सर्विस और शुरू की गई है। बेसिकली ये सर्विस अभी केवल कर्नाटक स्टेट के लिए शुरू की गई है, जो कि एक एजुकेशन से रिलेटेड सर्विस है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर्विस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करके उनका यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होता है, जिसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे लॉगिन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकता है। तो आपको यहाँ पे CSE लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप सिंपली यहाँ पे CSE के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे। देन कुछ इस तरीके से एक नया इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बेसिकली आज के दिन में ये सर्विस CSE पोर्टल में शुरू की गई है, तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप सर्विस में काम करना चाहते हैं, कर्नाटक स्टेट के VLE हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो ये थी CSE की एक नई सर्विस की जानकारी। आई होप आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी आप CSE से रिलेटेड इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको फिर से किसी एक नए वीडियो के साथ।